हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी एंड यूपी की भर्तियों को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो देख लेते हैं। इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें कहा गया है समूह गा की भर्ती के लिए पीटी रिजल्ट अक्टूबर में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर में देने की तैयारियों में जुट गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार के मुताबिक इसके लिए पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं, जिससे रिजल्ट आने के बाद भर्ती के लिए विज्ञापन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। आयोग ने समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए पहली बार पीटी कराया है। इसमें 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, तो लगभग इतने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो आगे देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 58 साल से अधिक उम्र के इंस्पेक्टर ही होंगे, सीओ के पेशकार आदेश जारी। तो इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, तो इसे आप पूरी तरह टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे कहा गया है 199 स्थायी पदों पर शिक्षक भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू। तो इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो इसमें कहा गया है विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल 199 स्थायी पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित है। अभ्यर्थी वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई है, से आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया यूजीसी की 2018 के रेगुलेशन व जारी नए शासनादेश के अनुसार की जाएगी। तो रेगुलेशन व जारी नए शासनादेशों के अनुसार की जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।